हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी वांट टू स्टडी नेक्स्ट स्टेरियो आइसोमेरिज, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड टाइप ऑफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन लास्ट वीडियो वी हैव बीन स्टडीड अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके पहले के वीडियो में देखा अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन हो गया, पोजीशन, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। उसके बाद में स्टेरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो टुडे सेशन वी वांट टू स्टडी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वेरी इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और JEE नीट में इसके ऊपर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इट इज लिसन केयरफुली, स्टडी केयरफुली। अब व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग ए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सभी सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला है, उसके बाद में दैट इज द सेम फंक्शनल ग्रुप भी है, एंड दे शोज सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की आइडेंटिकल है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। सिर्फ जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है उसमें डिफरेंट हो सकता है, बट दे डिफर इन देयर एक्शन ऑन ए प्लेन पोलराइज लाइट, दे डिफर इन देयर एक्शन ऑन ए प्लेन पोलराइज लाइट। तो अपन देखेंगे व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज लाइट, या फिर दे हैव ए नॉन सुपर इम्पोसेबल ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज, दे हैव ए नॉन सुपर इम्पोसेबल ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप, दे हैव नॉन सुपर इम्पोसेबल ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप। अब इसका मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय नॉन सुपर इम्पोसेबल ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या? जैसा समझो, फॉर एग्जाम्पल ये अपना राइट हैंड साइड का पाम है, ये लेफ्ट हैंड साइड का है, क्लियर। अगर ये ऐसे का ऐसे रखा तो ये क्या हो गया, इसकी मिरर इमेज, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया, मिरर इमेज, क्लियर। तो समझो अगर ऐसे का ऐसे इसको उठा के रखा ऐसा, तो क्या हो जाएगा फिर, ये जो लास्ट उंगली है उसके सामने अंगूठा आएगा, क्लियर। तो जो फिंगर से ये चेंज हो जाएंगे, दिस पोजिशन इज कॉल्ड ए नॉन सुपर इम्पोसेबल, इसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन सुपर इम्पोसेबल। अगर ऐसे का ऐसे अगर मैच करता है तो दिस पोजिशन इज कॉल्ड ए सुपर इम्पोसेबल, इसको क्या बोलेंगे अपन, सुपर इम्पोसेबल, क्लियर। तो दे हैव ए नॉन सुपर इम्पोसेबल ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज, एक ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज है, अगर दोनों एक मेक के ऊपर रखते हैं तो दे डू नॉट मैच, दैट इज कॉल्ड ए नॉन सुपर इम्पोसेबल ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप, देन दे आर कॉल्ड ए ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनको क्या बोलेंगे अपन, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो व्हाइल स्टडिंग दिस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म द नंबर ऑफ ए टर्म्स, कुछ टर्म्स अपन लेंगे, जैसा अभी यहां पर अपने को देखना है लाइट, व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज लाइट, तो वन बाय वन अपन स्टडी करेंगे। अब लाइट ये तो आपको पता है, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये पता है, दैट इज इट इज अ पॉइंट ऑफ ए डिफ्रैक्शन, और इसमें ये दीज आर लाइक दैट, क्लियर। तो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वाइब्रेशन होता है लाइक दैट। तो ये लाइट आपने फिजिक्स में स्टडी किया है ऑलरेडी, तो उसके बारे में इसमें अपन डिटेल नहीं देखेंगे। तो दिस लाइट रेज विच वाइब्रेट्स इन ऑल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, ऑल द पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड ए ऑर्डिनरी लाइट, इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑर्डिनरी लाइट। तो पहला पॉइंट दैट इज द लाइट, नाउ ऑर्डिनरी लाइट। अब व्हाट इज मीन बाय ऑर्डिनरी लाइट? द लाइट रेज विच वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड ए ऑर्डिनरी लाइट, या फिर वी कैन से मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट, मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ ए लाइट दैट विच वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी। सपोज दिस ऑर्डिनरी लाइट इज पास,
Suppose this ordinary light is passed through a special type of a prism, constructed by the scientist Nicole. It is called a Nicole prism. This Nicole prism made by the crystals of a calcium carbonate that is called a calcite. इसको क्या बोलेंगे अपन? Calcite. या फिर इट इज ऑप्टेन दैट ओर द नेम ऑफ ए दैट ओर इज आइसलैंड स्पार. इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द आइसलैंड स्पार और इट कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट. क्लियर? तो दिस टू पीसेस कट एंड ज्वाइन टूगेदर इन अ स्पेसिफिक एंगल बाय स्पेशल टाइप ऑफ ए गम. इट इज कॉल्ड ए कैनाडा बाल्सम. Clear, cut into the specific angle and joined together by Canada balsam. Then the transmitted light vibrate in a single plane only. Perpendicular to the direction of propagation, and such type of a light is called a plane polarized light. तो यह हो गया. व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज लाइट? दैट इज द लाइट रेज वाइब्रेट्स या फिर वी कैन से प्रोपैगेट्स इन अ सिंगल प्लेन. परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपैगेशन. दैट इज कॉल्ड ए प्लेन पोलराइज लाइट. क्लियर? एंड नाउ the apparatus which is used for the formation of a plain polarized light, it is called a polarizer. Isko kya bolte hai apan? Polarizer. The apparatus which is used for the generation of a plain polarized light, formation of a plain polarized light, this apparatus is called a polarizer. And the process by which the ordinary light is converted into plain polarized, the process is called a polarization. इसको क्या बोलेंगे अपन? Polarization. तो इसमें important point ख्याल में रखने का, Nicole prism constructed from the crystals of a calcium carbonate called a calcite and it is obtained from the Iceland spar, the name of ore. अब उसके बाद में ये plane polarized ख्याल में रखने का, which vibrates in a single plane only, that is called a plane polarized light. अब ये हो गया, when the plane polarized light is passed through a, suppose a plane polarized light is passed through a, ye hoga plane, sorry, a plane polarized light is passed through a solution containing in cuvette, the special type of a this is called a cuvette. इसको क्या बोलेंगे अपन? Cuvette. इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट ट्यूब है. इसको क्या बोलते हैं? Cuvette. इन विच द ऑल द लाइट रेज पास परफेक्टली. सपोज इट कंटेन अ सोल्यूशन ऑफ ए ग्लूकोज. इसमें ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया. देन दिस ग्लूकोज have a tendency to rotate the plane of plane polarized light along a right hand side. Clear? And hence it shows a optical activity. And such type of a compound is called an optical active compound. So next point dekhenge apan, what is mean by optical active compound? या फिर द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कायरल कंपाउंड. कौन सा वर्ड? नॉट ए चिराल. इट इज कॉल्ड ए कायरल. ख्याल में रखने का द प्रोनाउंसिएशन कायरल या फिर कायरल. तो हियर व्हेन द प्लेन पोलराइज लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ ए ग्लूकोज, देन ग्लूकोज हैज ए टेंडेंसी टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट अलोंग राइट हैंड साइड या फिर अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दिस ग्लूकोज इज कॉल्ड ए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड.
a substance which has a tendency to rotate the plane of plane polarized light either right hand side or a left hand side. अगर सपोज यहाँ पर ग्लूकोज के बजाय अपन अगर फ्रुक्टोज का सॉल्यूशन लेते हैं तो व्हाट हैपन हियर, फ्रुक्टोज हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट अलोंग लेफ्ट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एंड ए प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड ए ऑप्टिकल एक्टिविटी. द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर इट इज कॉल्ड ए कायरैलिटी. इट इज कॉल्ड ए कायरैलिटी. समझ में आ गया. ए सब्सटेंस विच हैज ए टेंडेंसी टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट आइदर राइट हैंड साइड और ए लेफ्ट हैंड साइड सच ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड द प्रॉपर्टी बाय विच इट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट आइदर लेफ्ट हैंड साइड और ए राइट हैंड साइड इट इज कॉल्ड ए ऑप्टिकल activity. It is called optical activity. Clear? Now, a substance which has a tendency to rotate the plane of plane polarized light along right hand side, it is called a dextrorotatory. It is called a dextrorotatory denoted by the small d or phir positive sign. A substance which has a tendency to rotate the plane of plane polarized light along right hand side or phir we can say clockwise direction, such compound called a dextrorotatory, या फिर which rotate the plane of plane polarized light along right hand side के बजाय left hand side, such compounds are called a levorotatory. क्या बोलेंगे, levorotatory. It is denoted by the small l या फिर negative sign, which rotate the plane of plane polarized light along left hand side या फिर we can say anti-clockwise direction, such compounds are called a levorotatory. And the equal amount of 50% dextro लेने का और 50% levo compound of a same compound के दोनों भी अगर 50-50% लेते हैं तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड ए रेसेमिक मिक्सचर. इट इज कॉल्ड ए रेसेमिक मिक्सचर. तो रेसेमिक मिक्सचर है ना, मिक्सचर ऑफ ए 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लैव रोटेटरी कंपाउंड ऑफ ए सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ए रेसेमिक मिक्सचर. इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. What is the reason? Due to the external compensation. इसको क्या बोलेंगे अपन, external compensation. Optical inactive का मतलब they do not rotate the plane of plane polarized light either right hand side या फिर left hand side. Such compounds are called a racemic mixture. And this optical rotation is cancelled 50% right or 50% left. It is called a external compensation. Their optical rotation is cancelled and it is called cancelled due to the external compensation. Clear? The process, then racemization. Racemization ka matlab, that is the formation of a racemic mixture. The process by which the racemic mixture is formed, the process is called a racemization. Then next one is called resolution. Resolution का मतलब that is the conversion of a this racemic mixture into dextro and levo form, that is called a resolution. समझ में आ गया. Racemization का मतलब formation of racemic mixture from the dextro and levo form. Clear? Resolution उल्टा, that is the conversion of a racemic mixture into dextro and levo form, that is called a resolution. Clear? Now why is it so? That is the compounds have a differ, compound shows different action on a plane polarized light. So what is the reason? This reason given by the scientist Wontoff and Liebel. According to the Wontoff and Liebel, due to the presence of a asymmetric carbon atom, due to the presence of asymmetric carbon atom, they show the different action on the plane polarized light. Asymmetric carbon atom या फिर it is also called a carbon, called a chiral carbon atom.
अब व्हाट इज मीन बाय असिमेट्रिक कार्बन एटम या फिर कायरल या फिर किराल कार्बन एटम क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द वॉन्टॉप एंड लीबेल अपने को पता है कार्बन कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी तो यह होगा एक दो तीन और एक चार इट अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर सिंगल बॉन्ड है तो इट अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दैट इज इट कंटेन 4 सिग्मा बॉन्ड एंड टू विच द 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच सच कार्बन एटम इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन एटम एंड इट इज डिनोटेड बाय द स्टार समझ में आ गया तो व्हाट इज मीन बाय असिमेट्रिक कार्बन एटम असिमेट्रिक कार्बन एटम अनसिमेट्रिक अलग असिमेट्रिक का मतलब दैट इज दे डू नॉट शो सिमेट्री तो असिमेट्रिक कार्बन एटम का मतलब दैट इज अ कार्बन एटम टू विच 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स आर अटैच टू इट्स 4 वैलेंसी सच कार्बन एटम इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन एटम तो असिमेट्रिक कार्बन एटम अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ए 4 सिग्मा बॉन्ड एंड सच कार्बन एटम इज कॉल्ड असिमेट्रिक कार्बन एटम दैट इज द कंपाउंड दे डू नॉट हैव दैट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री तीसरा रहेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो दे डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ सिमेट्री एक्सेप्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री सम कंपाउंड दो दे हैव एक्सिस ऑफ सिमेट्री दे मे शोज द ऑप्टिकल एक्टिविटी तो व्हाट इज द कंडीशन असिमेट्रिक कार्बन एटम या फिर व्हाट इज द कंडीशन टू शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी या टू फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर दैट इज दे कंटेन वन असिमेट्रिक कार्बन एटम अगर एक असिमेट्रिक कार्बन एटम है तो कंपल्सरी इट इज इट शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कंपल्सरी दो होने के बाद में तीन होने के बाद में मे बी और मे नॉट बी वो आगे देखेंगे अगर एक असिमेट्रिक कार्बन एटम है तो दे कंपल्सरी शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लियर या फिर दे डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री सो दे हैव दे आर डिसिमेट्रिक दे आर डिसिमेट्रिक इन नेचर या फिर डायसिमेट्रिक इन नेचर देन दे शोज द ऑप्टिकल एक्टिविटी दे शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो कैसे देखेंगे अपन तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री सपोज अगर समझो अपन ये एक कंपाउंड लिया ए इज इट असिमेट्रिक तो व्हेन अ लाइन ड्रॉन थ्रू दिस इट इज डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल पार्ट सो इट इज नॉट असिमेट्री क्लियर तो इट हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री इट इज डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल पार्ट अगर बी लेंगे अपन तो बी इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल पार्ट सी लेंगे तो इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल पार्ट डी लेंगे लाइक दैट ई कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल पार्ट बट एफ एफ कैन नॉट डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल पार्ट दैट इज दे डू नॉट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसको क्या बोलेंगे दे डू नॉट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर एंड दस सच टाइप ऑफ ए कंपाउंड शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी बता सकते हैं क्लियर तो ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वन एंड द सेम तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आइसोमेरिज्म कौन कौन से कंपाउंड बता सकते हैं दैट इज दे कंटेन कंपल्सरी वन असिमेट्रिक कार्बन एटम एक असिमेट्रिक कार्बन एटम है तो ऑलवेज दे शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो है तीन है तो मे और मे नॉट बी वो अपन बता नहीं सकते दूसरा दे डू नॉट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री दे डू नॉट हैव ए सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर ये दोनों भी नहीं है तो दे शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर दे फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स क्लियर तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का बता नहीं सकते मे बी और मे नॉट भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन ये कंपल्सरी तीन कंडीशन क्लियर दैट इज दे डू नॉट डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल पार्ट दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन देन दे शोज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे अब एकादा एग्जाम्पल लेंगे अपन अब एग्जाम्पल समझो मीथेन लेंगे मीथेन में चार कार्बन एटम है क्लियर
तो ये अपन ने स्ट्रक्चर लिखा उसका। अब ये अगर थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर लिखते हैं तो लाइक दैट, ये हो गया वेज और ये हो गया डैश समझो। तो इसको अपन डॉटेड में बताएंगे, क्लियर। तो ये हो गया विद इन अ प्लेन, ये हो गया आउटसाइड द प्लेन, इसको डैश बोलते हैं, इसको वेज बोलते हैं। जैसा है प्लेन टू डायमेंशनल पेपर है, क्लियर। एक हाइड्रोजन एटम ऐसा हो गया, एक हाइड्रोजन एटम ऐसा हो गया, क्लियर। तो ये डैश वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो प्लेन के अंदर चले गए, क्लियर। और चौथा जो है वो वेज जो ये ऊपर आ गया, क्लियर। तो ये होगा, तो ये होगा विद इन अ प्लेन और ये होगा आउटसाइड द प्लेन, क्लियर। तो हियर, अब यहां पर अगर समझो अपन ने अगर एक लाइन खींची, प्लेन लिया, तो व्हाट हैपन अगर इसमें ऐसा अगर प्लेन अपन ने पास किया, तो व्हाट हैपन, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल पार्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल पार्ट। ये तो प्लेन में, और ये रहेगा, एक ऊपर आ जाएगा हाइड्रोजन, एक नीचे आ जाएगा, तो इट डज नॉट शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी, इट डज नॉट फॉर्म ए ऑप्टिकल आइसोमर बिकॉज इट हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसलिए। दूसरा एकांत एग्जाम्पल लेंगे, सपोज नाउ सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, सेकेंडरी ब्यूटिल यानी CH3CH2, सेकेंडरी यानी सेकंड कार्बन एटम कंटेन Br, क्लियर। अब दिस कार्बन एटम इज असिमेट्रिक कार्बन एटम, ये कार्बन एटम अपन सेंटर में लिखेंगे, तो कौन कौन से ग्रुप आ जाएंगे ऊपर, इसको अगर कलेक्ट करते हैं अपन, तो ये कौन सा ग्रुप आ जाएगा, इथिल, ये हो गया इथिल, क्लियर। उसके बाद में दिस वन इज मिथिल, ये कौन सा हो गया, मिथिल। उसके बाद में हाइड्रोजन और Br, क्लियर। तो ये हो गया हाइड्रोजन और फिर से लिखेंगे, ये हो गया कार्बन, ये हो गया C2H5, ये हो गया CH3, और ये जो डॉटेड में आ गया ये हो गया Br और ये हो गया हाइड्रोजन एटम, क्लियर। तो ये हो गया वेज लाइक दैट, क्लियर। तो ये हो गया थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, क्लियर। अब इसका अगर अपन मिरर रखेंगे यहां पर बीच में, क्लियर, ये हो गया समझो ऑब्जेक्ट। अब इसकी अगर इमेज लिखेंगे तो इमेज कैसे ड्रॉ करोगे, ख्याल में रखने का, नजदीक का नजदीक, क्लियर। तो ये हो गया ये H, ये हो गया CH3 और ये हो गया Br डॉटेड में समझो। क्लियर, तो ये होगा ऑब्जेक्ट और ये होगी इसकी मिरर इमेज, मिरर इमेज। अब जैसे जनरली अब इसको जब अपन मिरर ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर ऑब्जेक्ट जब अपन मिरर के ऊपर रखेंगे तो इसको क्या करने का, घुमाने का, कैसे रखते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री को घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5 नीचे आ जाएगा, CH3 ऊपर चले जाएगा, और जब ऐसे के ऐसे रखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा CH3, क्लियर, और यहां पर क्या आ जाएगा दैट इज C2H5, दैट इज द ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज नॉट मैच एंड सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इट कॉल्ड ए नॉन सुपर इम्पोसेबल ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोसेबल ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप एंड दस दे आर कॉल्ड ए ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनको क्या बोलेंगे अपन, ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्लियर। दैट इज टू और मोर कंपाउंड हैविंग ए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट दे डिफर इन देर एक्शन ऑन प्लेन पोलराइज लाइट। सपोज इट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट अलॉन्ग राइट हैंड साइड, तो इट इज कॉल्ड ए डी सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्लियर, और इट इज कॉल्ड ए लेफ्ट हैंड साइड में, तो इट इज कॉल्ड ए एल सेकेंडरी
ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसको क्या बोलेंगे अपन, एल सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ऐसे स्ट्रक्चर पर से अपन बता नहीं सकते वेदर इज इट कॉल्ड डेक्स्ट्रो या फिर इट इज कॉल्ड लेव, सिर्फ इतना बता सकते अगर ऑब्जेक्ट को अपन डेक्स्ट्रो बोला तो इमेज को क्या बोल सकते अपन लेव। क्लियर। एंड दीज टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स दे हैव ए नॉन सुपर इम्पोसेबल ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप, या फिर दे हैव ए डिफरेंट एक्शन ऑन ए प्लेन पोलराइज लाइट, सच आइसोमर्स आर कॉल्ड ए ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनको क्या बोलेंगे अपन ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर। तो इसमें क्या, तो इसके प्रॉपर्टीज क्या है, दे हैव ए सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, दे शो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर। एक्सेप्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी छोड़ के, बट दे डिफर इन देयर एक्शन ऑन ए प्लेन पोलराइज लाइट, वन कैन रोटेट राइट हैंड साइड कॉल्ड डेक्स्ट्रो, अनादर कैन रोटेट लेफ्ट हैंड साइड कॉल्ड लेव। समझ में आ गया। अब ऐसे अपन बता नहीं सकते इज इट डेक्स्ट्रो के लेव, ये तो लेबोरेटरी में जाके बताएंगे अपन। क्लियर। तो ये हो गया अबाउट द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर।